नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे उत्तरकाशी की। उत्तरकाशी के जंगलों में आग लगने के मामलों में केस दर्ज हुआ है। वन विभाग ने डूंडा मुखेम रेंज में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम मामले की जांच करेगी। पिछले 6 दिनों से भीषण आग लगी है और जिला मुख्यालय के आसपास के जंगलों समेत मुखेम और डूंडा रेंज के वन आग से धुधू कर जल रहे हैं। अपर यमुना प्रभाग के जंगलों में आग से चारों तरफ धुआं ही धुआं छाया हुआ है। 6 गांवों में जंगल की आग से करीब 3.20 हेक्टेयर वन संपदा को नुकसान पहुंचा है। तो तस्वीरें आप देखिए, कई दिनों से आग जंगलों में यूं ही जल रही है, काफी नुकसान भी हो चुका है। अब एक FIR भी दर्ज की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ में बलवीर परमार जुड़ गए हैं उत्तरकाशी से संवाददाता। बलवीर, क्या अपडेट है, कितने लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और क्या अपडेट है प्रशासनिक अमले की तरफ से, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल, जिस तरह से आग जंगलों में लगी हुई है और आज 6वां दिन है, 6 दिन हो चुके हैं और लगातार जो जंगल है जनपद उत्तरकाशी के धू धू के जल रहे, चाहे उत्तरकाशी वन प्रभाग की बात की जाए, चाहे टोंस वन प्रभाग की बात की जाए, चाहे अपर यमुना वन प्रभाग की बात की जाए, ये दोनों ही यमुना और गंगा घाटी के वन प्रभाग है जहां भीषण आग लगी और 5 दिन से जो धूप है वो सही से धूप जनपद में नहीं निकली है, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि जो आग लगी है उसका जो धुआं है उससे कोहरा छाया हुआ है पूरे जनपद में और कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। और जिला प्रशासन ने DFO उत्तरकाशी को निर्देश किए थे कि तुरंत आग को बुझाया जाए और जो लोग आग की घटनाएं दे रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो जिसके चलते मुखेम रेंज हो चाहे डुंडा रेंज हो, यहाँ पे जो FIR दर्ज की गई है और एक संयुक्त टीम बनाई गई है पुलिस और वन विभाग की, जो नजदीकी गाँव है जहां जहां आग की घटनाएं सामने आई वहां पे जांच करेगी और जो संदिग्ध पाए जाएंगे आग की घटनाएं जिन्होंने अंजाम दिया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल अज्ञातों के खिलाफ जो डुंडा है या बुखेम रेंज है दोनों जगह FIR दर्ज की गई है। तो सख्त कदम इस समय सख्त रवैये में जो वन विभाग है वो दिख रहा है, क्योंकि आग की घटना लगातार बढ़ती जा रही है और जो वन संपदा है उसको नुकसान पहुंच रहा है, जो जंगली जानवर है उन पर भी संकट गहराया हुआ है और इस समय हालात ये है कि जो पूरा जो जनपद है धुआं छाया हुआ है पूरे जनपद में और कई लोगों में सांस की परेशानी भी हो रही है, आंखों में जलन भी हो रही है। तो इसको देखते हुए ठोस कदम उठाने की बात अब वन प्रभाग द्वारा की जा रही है, तो देखना होगा कि कितना फायदेमंद रहता है। पर फिलहाल आग पूरे जनपद में लगी हुई है और जगह जगह से वन संपदा को नुकसान पहुंच रहा है और जो वन्य जीव है उन पर संकट गहराया हुआ है। जी तो बिल्कुल, अब वन संपदा को भारी नुकसान इससे पहले भी पहुंचा और साथ ही अब तैयारियां की जा रही है कि किस तरह से इस आग पर भी कंट्रोल किया जा सके। फिलहाल FIR दर्ज की गई है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। नैनीताल से खबर है, यहां पर एक गुलदार पिंजरे में कैद हो गया है और धारी ब्लॉक के दुधली में गुलदार पिंजरे में कैद हो गया है। धारी भीमताल ब्लॉक में कई दिनों से गुलदार का आतंक था, तो वही गुलदार के कैद होने से लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली है। तो पिछले दिनों इस इलाके में गुलदार देखा गया था, जिसके बाद में लोगों में गुस्सा भी था वन विभाग के लिए और साथ ही लोग लगातार गुलदार को कैद करने की मांग भी कर रहे थे। फिलहाल अब गुलदार पिंजरे में कैद हो गया है, तो लोगों ने राहत की सांस ली है। जम्मू कश्मीर के पुंछ के राजौरी में सेना पर हुए आतंकी हमले में चमोली के नारायण बगड़ के बमियाला गांव के वीरेंद्र सिंह भी शहीद हो गए थे। वीरेंद्र सिंह के शहीद होने की जैसे ही खबर गांव में मिली तो पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई और आज शहीद का शव उनके गांव लाया जाएगा। वीरेंद्र सिंह अपने पीछे पत्नी और 2 बेटियों को छोड़ गए हैं। पुंछ में हुए इस हमले में 4 जवान शहीद हो गए हैं। कोटद्वार के वीर सपूत गौरव कुमार की भी जम्मू कश्मीर के पुंछ में शहादत हुई है। राजौरी पुंछ में आतंकियों से लूहा लेते हुए 28 साल के सेना के जवान गौतम कुमार शहीद हो गए थे। गौतम कुमार कोटद्वार के शिवपुर इलाके के रहने वाले और 11 मार्च को उनकी शादी होने वाली थी। सेना की तरफ से परिवार को सूचना दी गई थी, जिसके बाद में परिवार में कोहराम मच गया। गौतम कुमार 2014 में गढ़वाल राइफल्स में भर्ती हुए थे और अभी आर्म्ड रेजिमेंट में तैनात थे। We'll be right back.
तो 11 मार्च यानी कि अगले साल को शादी होने वाली थी और अब घर वालों की जो खुशियां हैं वो गम में बदल गई हैं। हालांकि आज शव लाया जाएगा। 28 साल के गौतम कुमार जो कि आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए, तो वहीं पूरे गांव में गम का माहौल देखा जा रहा है और साथ ही परिवार वालों का कहना है कि पूरा सपोर्ट किया जा रहा है और जल्द ही जो बॉडी है उनका पार्थिव देह है उसको गांव में लाया जाएगा जिसके बाद में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ वो तस्वीर आप देश का बेटा जो शहीद हो गया है और दूसरी तरफ ये गांव की तस्वीरें हैं जहां पर गमगीन माहौल है और लोगों को इंतज़ार है कि जब बॉडी गांव में पहुंचेगी उनका पार्थिव शरीर तो आखिरी विदाई दी जाएगी नम आंखों के साथ में और उसके बाद में अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो 4 जवान शहीद हुए थे जिसमें से 2 उत्तराखंड के ही रहने वाले थे। इससे पहले हमने आपको एक और जवान के बारे में बताया और कश्मीर के पुंछ में गौतम की भी शहादत हुई थी और 11 मार्च यानी कि अगले साल शादी भी होने वाली थी और जानकारी ये भी सामने आई कि अभी छुट्टियां पूरी करके वो वापस बॉर्डर पर गए थे और उसके बाद में आतंकियों द्वारा हमला किया गया जिसमें शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से लोहा लेते हुए कोटद्वार के लाल गौतम कुमार भी शहीद हो चुके हैं और इसकी सूचना उनके परिवार वालों को मिल चुकी है। इस समय हम उनके घर पर मौजूद हैं, सिपुर इलाके कोटद्वार के वो रहने वाले हैं और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 11 मार्च को उनकी शादी होनी थी, 6 महीने पहले ही उनकी सगाई हुई थी, तो एक दुखद पूरा क्षण है ये पूरा का पूरा और सभी के लिए हिम्मत बढ़ाने का समय है। तो तस्वीरें आप देखिए, ये आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक तरफ देश का वो लाल जो कि आतंकियों से लोहा लेते लेते शहीद हो गया और साथ ही कश्मीर के पुंछ में हाल ही में जो हमला हुआ जिसमें 4 जवान शहीद हुए उसमें 2 उत्तराखंड के रहने वाले थे और उन्हीं में से एक गौतम कुमार भी थे जो कि 28 साल के थे और साथ ही 2013 में उनकी भर्ती हुई थी और साथ ही आपको बता दें कि उनके जो गांव की तस्वीर है वो भी आपको दिखा रहे हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ में अनुपम भारद्वाज छुड़ गए हैं। अनुपम, आप इस वक्त शहीद के गांव में ही मौजूद हैं, गमगीन माहौल हमने इससे पहले भी देखा, अब और कितना वक्त लगेगा जब उनके पार्थिव देह को गांव पहुंचाया जाएगा और अंतिम संस्कार होगा? देखिए, कोटद्वार के सिपुर इलाके में हम मौजूद हैं। गौतम कुमार जो शहादत जिनकी हुई है उनका ये घर है और इसी घर में उनका बचपन बीता है, यहीं पे वो रहा करते थे और जो पूरा परिवार है, उनके माँ हैं, उनकी बहनें हैं, बुआ हैं, जो पूरा परिवार है वो यहाँ पे पहुँच चुका है। हर कोई अपने जो भाई है, उन बेटा है, उनकी बॉडी का इंतजार कर रहा है, पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सेना की ओर से अभी तक कोई पुख्ता तौर पर जानकारी नहीं मिली है कि कब तक उनका पार्थिव शरीर उनके परिजनों के हवाले किया जाएगा, कब तक वो कोटद्वार पहुंचेगा, तो इसको लेकर काफ़ी दुखद क्षण भी है लोगों के लिए और इंतजार कर रहे हैं कि सेना की ओर से कोई जानकारी उन्हें मिले। अभी फिलहाल कुछ ही समय पहले उनके परिजनों को कैंप में बुलाया गया था, आर्मी कैंप में बुलाया गया था, वहां से कुछ बातचीत हुई है लेकिन उसके बावजूद अभी तक फिलहाल कोई पुख्ती जानकारी नहीं मिल पाई है कि कब तक पार्थिव शरीर मिलेगा। तो इंतजार किया जा रहा है कि उनके जो शव है गौतम कुमार का, वो पार्थिव शरीर है वो जल्द से जल्द उनके परिजनों के हवाले किया जाए, उनका अंतिम संस्कार किया जाए। तो जो पूरा परिवार है, आसपास इलाके के जो लोग हैं, पूरा कोटद्वार के जो लोग हैं, वो उनके घर में इकट्ठा उनका जुटना शुरू हो चुके हैं और हर कोई इंतजार कर रहा है क्योंकि एक बड़ी शहादत हुई है, हर किसी के लिए एक दुखद पल है। उनके जो माताजी हैं उनका स्वास्थ्य भी काफ़ी ख़राब चल रहा है, जब से सूचना मिली है उसके बाद से उनके आंखों से आंसू नहीं थम रहे हैं और इसके अलावा जो उनके पूरा परिवार है, जो आसपास के जो लोग हैं, वो इकट्ठा हो चुके हैं और इंतजार कर रहे हैं क्योंकि और सबसे बड़ी दुखद जो बात है कि 11 मार्च को उनकी शादी होनी थी और पूरा परिवार उनकी शादी की तैयारी में जुट गया था और आज से एक हफ्ते पहले पिछले शनिवार को ही वो 15 दिन की छुट्टी काट के वापस जम्मू कश्मीर के लिए निकले थे और अब अचानक से ये खबर आती है 2 दिन पहले कि उनकी शहादत हो चुकी है, तो एक बड़ा दुखद क्षण पूरे परिवार के लिए रहे हैं। जी बिल्कुल, परिवार के लिए बेहद दुख का पल है और देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही किस तरह का गमगीन माहौल है वो भी आपको दिखा। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।